बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का एक और L2 और L3 अस्पताल खुल जाने के बाद अब IMA ने पेनेशिया हॉस्पिटल में COVID-19 पेड हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला किया है। इसके संबंध में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC कौशिक ने कहा कि जब कोरोना की स्थिति बिगड़ रही थी उस दौरान जिला प्रशासन के अनुरोध पर IMA ने पेनेशिया हॉस्पिटल में COVID-19 पेड हॉस्पिटल खोलने का फैसला किया था और उससे बड़े ही सफलतापूर्वक संचालित भी किया गया, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग हो गई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का अस्पताल खुल जाने के कारण अब पेनेशिया में हॉस्पिटल चलाने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर SC कौशिक ने कहा कि जिला प्रशासन ने अनुरोध किया था कि पेनेशिया हॉस्पिटल में एक COVID-19 पेड हॉस्पिटल खोला जाए, जिससे IMA ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन अब IMA पेनेशिया हॉस्पिटल से दूर हो गई है क्योंकि पेनेशिया में जो विवाद चल रहा था उससे भी शायद कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसको देखते हुए अब IMA ने पेनेशिया हॉस्पिटल में COVID-19 पेड हॉस्पिटल को बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IMA के अध्यक्ष SC कौशिक ने कहा। डॉक्टर SC कौशिक, प्रेसिडेंट IMA गोरखपुर। ये हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, क्या मामला है? नहीं, पेनेशिया हॉस्पिटल बंद नहीं किया गया है, पेनेशिया हॉस्पिटल चल रहा है। IMA जो चला रहा था उसने वह अपनी जिम्मेदारी छोड़ दिया है। अब पेनेशिया जैसे चल रहा था, क्योंकि पेनेशिया एक विवादित हॉस्पिटल था और उसको प्रशासन ने सील कर दिया था। COVID-19 की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने एक सील्ड हॉस्पिटल को IMA के सामने चलाने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल फुल हो गए थे और कोई व्यवस्था शहर में नहीं थी। इसलिए जुलाई में कोरोना की महामारी को देखते हुए शहर को बहुत आवश्यकता थी एक अस्पताल की, इसलिए अस्पताल IMA ने अपनी जिम्मेदारी पर चलाना शुरू किया था। आज की परिस्थितियों में चूँकि मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का अस्पताल बन गया है, तो इस तरह के अस्पताल की IMA को चलाने की आवश्यकता अब ख़त्म हो गई थी। इसलिए IMA ने प्रशासन से कहा कि अब IMA को यहाँ से मुक्त करिए और यह अस्पताल जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दीजिए, क्योंकि जो विवाद था वह भी कोर्ट से कुछ डिसाइड हो गया था, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो भी ओनर हैं उनको यह हॉस्पिटल दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से चलावें, क्योंकि अब कोरोना हॉस्पिटल को इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब पैसा अधिक लेने का भी आरोप लगा था। देखिए, पैसा अधिक लेना, पैसा कम लेना, इस तरह के आरोप समाज में लगते रहते हैं। पैसा अधिक लेने का आरोप जब लगा था तो IMA ने जो भी लोग यह शिकायत किए थे उनकी शिकायत को लेके हमने DM और CMO सबको आगाह किया कि इस तरह की शिकायत आ रही है, आप पेनेशिया के बिल वाउचर मंगवा करके और उनकी शिकायतों का निस्तारण कर दीजिए अगर उनकी कुछ शिकायत है तो। एक अलग पहलू है, बंद करना एक अलग पहलू है। अभी सर तो IMA ने अपना मतलब पूरी तरह से नाता तोड़ दिया है। अब उस अस्पताल को IMA को चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 300 बेड का मेडिकल कॉलेज में अस्पताल खुल गया है। अब समस्या जिसकी वजह से शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया, इसलिए उसको IMA को चलाने की ज़रूरत नहीं है।